को बता दें कि राजधानी भोपाल में अब स्याही से छपे पेपर में नाश्ता देने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, यानी कि पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब तक शहर में समोसा, कचौड़ी, पोहा, जलेबी समेत दूसरे खाद्य पदार्थ स्याही से छपे पेपर जैसे अखबारी कागज में परोसे जाते रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस पर फैसला लिया है। उन्होंने स्याही से छपे सभी तरह के पेपर, मैगजीन, किताबों में नाश्ता और दूसरे खाद्य पदार्थ देने पर रोक लगा दी है। ईट राइट चैलेंज 2 के तहत कलेक्टर ने इसके निर्देश दिए हैं। दरअसल ईट राइट चैलेंज 1 में भोपाल देश में दूसरे नंबर पर आया था और इसके तहत जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों को खान पान को लेकर जागरूक करने के लिए कई तरह के नवाचार किए थे। अब ईट राइट चैलेंज 2 के तहत स्याही से छपे पेपर में खाना देने पर बोलो ना ना नाम से अभियान शुरू किया जा रहा है। ये अभियान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, नगर निगम अमले के सहयोग से चलाएगा। तो बता दें भोपाल में अब स्याही से छपे पेपर में नाश्ता देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि कलेक्टर की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई भी विक्रेता, कोई भी दुकानदार आपको स्याही छपे पेपर में नाश्ता देता है तो इस बात से आपको भी इनकार करना है, आपको भी ऐसा नहीं करना है, स्याही वाले पेपर को ना कहना है। तो बता दें कि ये नुकसानकारक है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं। FSAI की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और ऐसे में ये बड़ा फैसला भी लिया गया। हालांकि ईट राइट चैलेंज 2 के तहत ये फैसला लिया गया है और किताबों में नाश्ता या सभी तरह के छपे हुए पेपर, मैगजीन, इसमें खाद्य पदार्थ देने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा ना करने पर कार्रवाई भी की जाएगी, हालांकि सख्ती से इसे लागू भी किया जा रहा है। और इसके लिए आपको बता दें कि व्यापारियों से, विक्रेताओं से माफ करेगा, उनसे शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा। तो बता दें आपको कि पेपर पर अखबार में खाना हानिकारक है, लेकिन पेपर के बजाय पत्ते से बने दोने, बिना स्याही वाले पेपर और प्लेट के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। तो अखबार में खाना कितना हानिकारक हो सकता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्याही में डाई आइसो ब्यूटाइल फटालेट, डायन आइसोब्यूटाइलेट होता है। बायोएक्टिव केमिकल सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो अखबार की स्याही के पेट में जाने से गंभीर बीमारियां होती हैं और पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं, इसीलिए ये फैसला भी लिया गया है। भोपाल में ये एक नया नवाचार शुरू किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ये वाकई में एक बड़ी और सराहनीय पहल कदम, निर्देश इसे माना जाएगा, और मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी होटल के सामने इस वक्त मौजूद हैं। जाकर जरा बात करिए उन विक्रेताओं से और लोग जो नाश्ता करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या उन्हें इस फैसले की जानकारी है और कितना सपोर्ट उनकी तरफ से प्रशासन को मिलेगा। जी जयाब, कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने एक नई पहल की है लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए, कि अब जो FSSAI की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो ईट राइट चैलेंज 2 के तहत अब भोपाल में जो भी नाश्ता घर हैं जहां पर नाश्ता मिलता है सुबह, या रेस्टोरेंट है, वहां पर पेपर का यूज नहीं होगा, पेपर में रखकर नाश्ता नहीं दिया जाएगा। गरम गरम पोहा हो या कचौड़ी हो या ब्रेड पकौड़ा हो या समोसा हो, ये जब दिए जाते हैं पेपर में रखकर तो कहीं ना कहीं उनकी स्याही जो है खाद्य सामग्री के थ्रू शरीर में पहुंच जाती है और गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। और यही कारण है कि कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश दिया और खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा और उसके बाद उनसे शपथ पत्र भी लिए जाएंगे और यदि लोग लगातार लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। और इस वक्त में आप देख सकते हो कि मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ, नाश्ता दुकान पर हूँ, इनसे बात भी करेंगे, दुकानदार हैं। आपको पता है कि कलेक्टर भोपाल ने आदेश जारी किया है कि जो पेपर है उसमें रखकर आप नाश्ता नहीं दे पाएंगे। ये जारी किया हुआ है तो हम स्टील की प्लेट चलाते हैं, इसमें नाश्ता देते हैं, वो पार्सल के लिए कैरी बैग यूज करते हैं। कैरी बैग और लिफाफा आता है ना, वो पैक करके उसमें देते हैं आप। तो आपको कब पता चला था ये आदेश के बारे में? कल। सर,
बताया, किसने आके बताया था आप लोगों को और क्या बोले थे, क्या कारण है कि आप नहीं बेच पाएंगे, पता है आपको ये जानकारी है? नहीं है, लोग और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपसे ही सबसे पहले बात करेंगे। आप लोगों को जानकारी है कि अब पेपर में आप लोगों को नाश्ता नहीं करना है क्योंकि उससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? जी, प्लेट में करते हैं जी। भोपाल में कहीं पर आपको पेपर में मिलेगा तो आप प्रशासन को जानकारी देंगे क्योंकि कलेक्टर ने आदेश जारी किए? जानकारी भी देते और इन्हें बोलते भी है कि पेपर का यूज ना करें। जया, देखा भोपाल में जैसे ही कल आदेश जारी हुए उसका असर भोपाल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नाश्ता घर में मैं जहाँ पर मौजूद हूँ नाश्ते की दुकान पर, यहाँ पर पेपर का उपयोग नहीं हो रहा है। उनका यही कहना है कि कल जब आदेश जारी हुए थे उसके बाद यहाँ पर नगर निगम और NGO के कुछ लोग आए थे, उन्होंने जानकारी दी थी, उसके बाद उन लोगों ने इस तरीके का उपयोग बंद कर दिया है। बिल्कुल आकर्ष, इसे सराहनीय ही माना जाएगा कि देखिए कल आदेश जारी हुए और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। भले ही ये जानकारी नहीं हो कि अखबार में आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है, क्यों इसे प्रतिबंध किया गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है शहर के इन नाशा घरों में, और लोग भी जागरूक हैं, जाकर ये कह रहे हैं कि हमें पेपर में नहीं खाना है, आप हमें प्लेट में दीजिए या फिर दोने पत्तल में दीजिए, उसी में हम नाशा करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से निर्देश ये दिए गए हैं कि अब स्याही छपे पेपर में नाश्ता नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से भोपाल में इस पर रोक लगा दी गई है, अखबार में खाना बैन हो गया है और अब आज से उस पर अमल भी दिखना शुरू हो चुका है।